हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मैठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे। आज के सेशन में हम चलेंगे, मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूँगा और ऑप्शन दूँगा, उसका आपको जवाब ढूँढना है और उसका जवाब मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, लेकिन आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद उसको मैच करना है। तो अब चलते हैं मेन डिस्प्ले पे। मैं पूरे डिस्प्ले पे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊंगा और आपको सही चुनना है। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी हवादार बीमारी है? क्वेश्चन फिर से सुन लें, निम्न में से कौन सी बीमारी हवादार बीमारी है? ऑप्शन एक है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है टाइफाइड रोग, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है पटकी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन ले, निम्न में से कौन सी बीमारी हवादार बीमारी है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी टाइफाइड रोग, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी पटकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली जगह कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से समझे, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली जगह कहा जाता है। ऑप्शन एक है खराब स्रोत, ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग, ऑप्शन 3 है संसाधन की खपत और ऑप्शन नंबर 4 है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार सुन ले, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? ऑप्शन एक है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 2 है मौसमी अध्यक्ष, ऑप्शन 3 है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन 4 है लोकसभा अध्यक्ष। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? क्वेश्चन फिर सुन ले, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? ऑप्शन एक है स्वाति, ऑप्शन एक है स्वाति, ऑप्शन 2 है व्याध, ऑप्शन 2 है व्याध, ऑप्शन 3 है प्रोक्सिमा सेंट्रोरी, ऑप्शन 4 है अपस्थि, तो मैं आशा करता हूँ आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यूजफुल है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको फॉरवर्ड करें वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप डेली हमारे सेशन में जुड़ते रहना, तो डेली चार पाँच क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखने मिलेंगे और आप अपने नोटबुक में भी लिखते रहना। उसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल के सेशन में।